नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ मुक्सर मंडी में। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, और ये जो बच्चे हैं कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सी मंडी में जा रहे हैं, हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वाले बच्चे को देखिए, तो आप इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ये क्या शौक से ले जा रहे हैं या फिर कुछ घर पर पाल रहे हैं या फिर कुछ व्यापार कर रहे हैं, हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। एक बार इस वीडियो को आप लाइक जरूर करो, इस चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब करके रखें। हमें इसी तरह के जो वीडियो है वो हम कवर करते रहते हैं। कौन सा वाला? अच्छा, ये आप देख रहे हैं काफी जो अच्छे बच्चे हैं। ये एक रंग का काला। अच्छा, जेड ब्लैक है क्या? अरे क्या बात है, क्या बात है, पूरा काले काटे का जेड ब्लैक है पूरा। बहुत शानदार आप बच्चा खरीदा है। ये जो जो इतने सारे आप किसकी वजह से सब खरीदे हैं, क्या कारण रहा उसका? हमारे यहाँ लोग जो पालते हैं ना, पालते हैं आपके? हाँ, नहीं हाँ। आप यहाँ पर सेल करने के लिए जा रहे हो कि घर पे ही ले जा रहे हो? खरीदे हमने जी, आपने खरीदे, उसके बाद जो हम अपने वाले जाएंगे। अभी कौन सी मंडी में आप जाने वाले हो? मंडी मखनपुर जाएंगे। मखनपुर, अभी जो ये बच्चे हैं पूरे सब मखनपुर जाने वाले हैं? क्या बात है, बहुत सारे। कितना खरीद लिए अभी तक आपने? अभी 25 है। 25 खरीद लिए और खरीदने वाले हो? मिल जाएंगे, ठीक नहीं की बात नहीं, नहीं तो 25 तो ले ही जाओगे। महंगाई बहुत है। अच्छा, महंगे बहुत है। जो अपने जो ये बच्चे की ज्यादा डिमांड होती है, आप बहुत सारे जो बच्चे खरीदे हैं अभी? नहीं नहीं, वहाँ के आदमी जो है, आदमी ज्यादा बच्चों का ही डिमांड कर रहा है। घोड़े शौक करते हैं अपना शौक। हाँ, भैंस भी है। हाँ हाँ, गाय सब चीज रखते हैं, पर बात ये है कि वो नहीं, जो घोड़े का घोड़े रखते हैं। हाँ, घोड़े का जो अभी शौक बढ़ रहा है बच्चों में, तो वो छोटे बच्चे ही लेना ज्यादा पसंद करते हैं। बड़े होने पर इधर ही पंजाब आते हैं। हाँ, इसके लिए आप देखो बच्चों की काफी डिमांड हो रही है। और यहाँ से जो मुक्सर ये मंडी का मैं नजारा दिखा रहा हूँ, मुक्सर मंडी से जो बच्चे हैं, अगर आप यूपी में बैठे हैं, अगर मखनपुर के नजदीक बैठे हैं, तो ये देख रहे हो आप इतने सारे जो बच्चे हैं मखनपुर, ये मुक्सर से मखनपुर आने वाले हैं। अगर आप आपको खरीदते हैं तो आप संपर्क कर लेना, मैं मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर लूंगा। आप जल्दी से, ये देख रहे हो आप इतने सारे जो बच्चे हैं वो सब मखनपुर जाने वाले हैं। देख रहे हैं पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है। अगर कोई नए शौकीन है, अगर कोई लेना चाहता है उत्तर प्रदेश से, अगर आपको मुक्सर आने में बहुत दूर पड़ जाता है, तो आपके खुद के अपने राज्य में यूपी में उत्तर प्रदेश में आपको मखनपुर मेले के अंदर ये आपको सब बच्चे हैं जो वहाँ पर आएंगे और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी से एक सेवा हो गई कि दूसरे राज्य से अपने राज्य में ये सब बच्चे हैं जो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये वाला बच्चा नेपाल। ये कौन सा वाला? नेपाल, नेपाल का। तो ये जो ये सब ये है जो ये कितने से चालू होते हैं अपने पास? अगर किसी को अगर जैसे छोटा बच्चा जैसे तेरी साइज का है, कीमत नहीं होती है, कीमत तो नहीं होती है, लेकिन 20,000 से शुरू है, 20,000 से चालू होता है। क्योंकि देखो एक अमाउंट तो सबका होता है, वीडियो देखता ना तो पहले अपनी जेब देखता है भाई कि मेरे पास पैसे कितने हैं। 20,000 जी, 1,00,000 का भी होता है, वो होता है, लेकिन 20,000 का एक अनुमान लगाते हैं। 20,000 का जो है वो अपने से चालू हो जाता है बच्चा। अगर कोई 20,000 लेके आए तो वो खाली नहीं आएगा। अच्छा, 20,000 के देख रहे आप ये खड़े हैं। अगर कोई 20,000 रुपए अपने पास अगर कोई लेके आता है तो उनको आप खाली नहीं भेजेंगे आपको? हाँ हाँ, आपको जो ये बच्चा है उनको देके ही भेजोगे। और भी देखो 25,000 30,000 बहुत सारी जो रेंज है, 50,000 लाख रुपया अलग अलग नस्ल के हिसाब से। जी जी, अलग अलग नस्ल के हिसाब से ये जो बच्चे हैं वो खड़े हैं, सब नुकरे हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो नुकरे भी आप खरीद सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं वीडियो के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, ये मुक्सर मंडी का मैं ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। और ये सब जो मखनपुर मंडी में आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें और उन तक जरूर पहुँचा दें जिनको ये वास्तव में घोड़े की जो बच्चों की जरूरत है। आप देख रहे हैं काफी सारे जो है। तो आप कब जाने वाले हो यहाँ से? एक दो रोज जाएंगे, एक दो दिन से जाने वाले। हाँ। अच्छा, पूरी ट्रक भर के? एक ट्रक में हो जाएगा, दो ट्रक भर ही जाएगा? एक में हो जाएगा पूरी ट्रक के ट्रक, पूरी मखनपुर खाली करने वाले? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मखनपुर कितनी तारीख को आप वहाँ तक पहुँच जाओगे? अभी एक दो रोज अपने घर जाएंगे, दो चार रोज अभी, एक दो दिन अपने घर पर रहोगे, दो चार रोज दो तीन दिन घर पर रहोगे उसके बाद में। तो ये जो मखनपुर की जो मंडी है वो कब कितनी तारीख से चालू होने वाली? आएगी ये करीबन 26 तारीख से मखनपुर, 26 तारीख से, बिल्कुल 26 जनवरी से जो मखनपुर की जो मंडी है वो चालू होने वाली है। अगर किसी को खरीदना है बच्चा, तो आप 26, 27, 28 कौन से भी तारीख को आप आ सकते हैं और वहाँ से जो है ये बच्चे आप खरीद कर ले जा सकते हैं अपने घर पर। मखनपुर चालू हो गया जी। तो आपने मोबाइल नंबर एक बार आप बता दीजिए। मोबाइल नंबर यार
मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा क्योंकि किसी को बच्चे की जरूरत होगी तो आपसे संपर्क करेंगे। हम वीडियो एक दो दिन में ही कवर करेंगे और अपलोड करेंगे। अगर मक्खनपुर की जो मंडी है उससे पहले ही ये वीडियो कवर अपलोड कर देंगे ताकि किसी को जरूरत हो तो वो वीडियो देखकर सीधा आपको फोन कर सके। 910-536-8841 जी, ये आपके मोबाइल नंबर है। हाँ जी, ये मक्खनपुर में आप मिलोगे वहाँ पर। हाँ जी, अगर कोई खरीदार आएगा तो आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ, ये आपके नंबर है। हाँ जी, हमेशा आप मक्खनपुर देखो, ये वीडियो है जो काफी एक होता है, काफी हेल्पफुल होता है, तो आप वीडियो को ये जो मोबाइल नंबर है वो चालू जरूर करें क्योंकि देखो वीडियो बहुत लोग देखते हैं और सबके मन में ये होता है कि मुझे बच्चा खरीदना, और अगर वहां तक आए और आपसे संपर्क न करे तो फिर एक बात एक अलग बिगड़ जाएगी वो। ठीक है ना, अपना फोन जरूर आप चालू करें। हाँ चालू करें ताकि ये जो किसी को बच्चों की जरूरत हो कि आपसे संपर्क कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये बच्चों की जरूरत है तो आप मक्खनपुर जो मेले में आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मक्खनपुर। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन भाइयों तक ये जरूर पहुंचा दें जिन भाइयों के वास्तव में बच्चों की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।